किया था मेरे को अकेला हूँ। नाइस नाइस अपना खेल दो भैया आराम से। बहुत बढ़िया उसने एडपिन किया आराम से खेल दो अपना। पता नहीं तेरी पहुंची। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो जो है एक टूर्नामेंट का है जहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ खेल रहा था। और आपको पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होगी जो भी कस्टम अपन खेलते हैं तो वहाँ पे जो है अपन हमारी मीरामार के ऊपर जो ड्रॉप लोकेशन है वो ये वाली रहती है। लेकिन इस बार होता क्या है कि एक टीम आ जाती है उनकी भी ड्रॉप लोकेशन शायद सेम थी। अब यहाँ पे जो है क्लैश हो जाता है जो कि हमने जो है पहले तो सोचा नहीं था कि होगा, बट अब जब आपकी ड्रॉप लोकेशन के ऊपर कोई टीम आ ही जाती है तो उसके बाद फाइट करनी ही पड़ती है। देन या तो आप बचोगे या तो वो टीम बचेगी, कोई एक टीम ही एक और ड्रॉप से बच के जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से जो अपनी पूरी टीम को लेकर भाग सकते हो, लेकिन ज़्यादा कितना भागोगे? अगर आप यहाँ से भागोगे भी बिना गन के तो ज़्यादा नहीं बच पाओगे। सो लास्ट ऑप्शन यही बच जाता है कि यार फाइट करो, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकदम जो है कैजुअल्टी निकालने की ट्राई करो सामने वाली टीम की, क्योंकि अगर एक कैजुअल्टी भी निकलती है तो यार पूरी टीम के ऊपर पुश करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं 4v4 में अगर जैसे ही सामने एक नंबर एडवांटेज खत्म हो जाता है, हम पे वो एडवांटेज आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है बेनिफिट भी मिलता है पुश करते समय। सो मैं यहाँ पे जो है चढ़ के छत के ऊपर जो है यहाँ पे टीम को कॉल देना स्टार्ट कर देता हूँ कि बंदों की लोकेशन कहाँ पे है, एंड उस हिसाब से जो है टीम पुश करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इधर मैं जो है एक मौका चूक जाता हूँ एंड उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। कैसे हमारे जो दो टीममेट ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले थे वो देखो ज़रा। एंड उसके बाद होता क्या है, ऐसे मैचेस के अंदर जो है अगर आप एक भी मौका चूक गए ना तो उसके बाद जो है सामने वाला ऑब्वियसली वो मौका नहीं चूकेगा। एंड यहाँ पर मेरे को सामने बंदा दिखा, सो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सही कह रहा था कन्फ्यूज था, लेकिन बाद में मैंने फायर कर ही दिया। और जैसे मैंने फायर किया अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे मैं नॉक हो चुका था और सामने वाले ने रश करके मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया था क्योंकि हमारी टीम उसके ऊपर पुश कर रही थी। अब यहाँ पे जो कैजुअल्टी है वो बढ़ती जाती है, दो बंदे हमारे फिनिश हो चुके थे क्योंकि मतलब आप देखो ना, मतलब एक बंदा भी अगर फिनिश हो जाता तो उसके बाद जो है पूरी टीम बैकफुट पे आ जाती है और वैसे हमारी टीम जो है बैकफुट पे आ चुकी थी। अब यहाँ से कैसे भी करके हमको बच के निकलना था। अभी फाइट कितनी लंबी चलती है वो देखो जरा, और कैसे हम ऐसे बचे जा रहा तेरे सामने से। ओह जाना पड़ेगा तुझे। घुस ऐसे घुस बाहर वाले स्टेज से। अंदर एक पैनिक रूम है, पैनिक रूम एंड इसी आखिरी फिनिश के साथ जो है हमारी टीम भी यहाँ पे वाइप होने से बच जाती है और कहीं ना कहीं जो है चार फिनिश भी मिले हमारी पूरी टीम को, इसमें से तीन मेरे थे। एंड उसके बाद जो है हम जोन को जो है चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से क्योंकि इधर लूट अच्छी खासी मिल गई थी हमको और एक स्टार्टिंग भी ऐसे मैचेस में अच्छे से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वो कि मिल गई थी। अब यहाँ पे जो है जैसे जोन के अंदर एंटर करते हैं तो दूर एक बंदा दिखता है, सो मैं बहुत वेट करता हूँ इस बंदे के स्टेबल होने का। लेकिन आप देखो ना ऐसे कस्टम मैचेस के अंदर बंदे जो है कितना ज़्यादा मूव करते हैं कि अगर कोई स्प्रे मारे भी यार इधर कोई जगह देखनी पड़ेगी तो बंदे मूवमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं कि उनको जो है अगर एक दो बुलेट लग भी जाए तो वो कहीं ना कहीं नॉक होने से बच जाते हैं। और पीछे वाले बंदे के साथ वही हुआ, मैं ऐसे सीधा भाग जाता हूँ क्योंकि उसके भी चार बंदे होंगे अलग अलग लोकेशन के ऊपर, तो कहीं से कहीं जैसे मैंने फायर किया तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है पड़ जाती है, यहाँ उस साइड से फायर आया तो उधर देखो जरा अभी, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं पीछे आ जाता हूँ हल्का सा दूर आया। फिर यहाँ से जो है वो सबसे पहले तो घर हमने जो देखे अच्छे लग रहे थे जाने के लिए, आई मीन वापस स्टे करना था, तो दो बचे हुए थे हम। अब हम आ जाते हैं इस जगह पर और ये वाला अगर मैंने थोड़ी देर के लिए रहने के लिए मतलब चूज़ किया कि इस जगह से जो है एक तो ऊपर से आप जो है हर लोकेशन के ऊपर देख सकते हो एंड कहीं ना कहीं अगर रश आता भी है तो स्टूडियो पे जो है रश करना बाकी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है कि तभी जो है एक टीम आ जाती है ऊपर जाते ही और तो मेरा टीममेट जो है नॉक हो जाता है वहाँ पे। उन्होंने देख लिया था मेरे को अकेला हूँ। नाइस नाइस अपना खेल दो ठीक है आराम से। बहुत बढ़िया उसने एडपिन किया आराम से खेल दो अपना।
अब आप देख सकते हो कि जब सामने वाले पे एडवांटेज होता है ना, नंबर एडवांटेज, तो वो एकदम मॉली वॉली जो मर्जी कर दो आ ही जाते हैं, और उसी चीज़ का जो है उनको लॉस रहना पड़ा, एक बंदा उनका मॉली में ही जो है निपट जाता है। सो मैंने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया, बाकी एक एक करके सबको फिनिश किया तीन बंदों को। अब जो चौथा बंदा था यार, वो एकदम वेल सेटल्ड था, उसको पता था मैं कहाँ पे हूँ, मेरी लोकेशन पोजीशन एंड मैं कितनी एचपी में हूँ, वो भी उसका टीममेट कहीं ना कहीं बताए दिए थे उनको। अब अभी तक मेरे को हील करने का मौका मिला नहीं था, थोड़ा दूर आता हूँ वहाँ पे करता, तो कहीं ना कहीं वो बंदा सुन लेता, एंड जैसे वो सुन लेता तो फिर उसको पुश करना ही करना होता, तो मैं वहाँ से दूर आ जाता, उसने देख तो लिया था मेरे को, तो उससे पहले वो नीड करे मेरे ऊपर, मैं जो यहाँ से नीड कर देता हूँ उस बंदे के ऊपर, बट इस पत्थर पर टकरा के नीड मेरे ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा किस्मत अच्छी थी मेरी पर बच गया, बट वो बंदे का अगर नीड इस जगह पर आ जाता है तो बस मेरा खेल जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बट लकीली ऐसा नहीं होता है, वो बंदा जो है नीड ही नहीं करता, शायद उसके पास थे नहीं है जो भी हो रीज़न, बट नहीं करता वो। अब मैं आ जाता हूँ हील करने के बाद फाइनली अपनी बगी के पीछे। अब यहाँ से दो चीज़ें थी, एक तो जोन के अंदर भी जाना था और इस बंदे को फिनिश भी करना था। स्मोक में करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ से निकल सकूँ, और वो बंदा भी, उसकी भी सेम स्ट्रेटेजी थी, वो स्मोक करके यहाँ से निकलना चाहता था, बट मैंने फेंक दी उसकी बगी के ऊपर ग्रेनेड। अब यहाँ पे वो बंदा उतर जाता है, उसको एक आधी बुलेट लगी, और अब जो है फाइट वापस इंगेज हो जाती है। तो तीन बंदे इसके मार चुका था, और फाइनली इस बंदे को मारने के साथ ही जो है इसके चारों बंदे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी किस्मत भी खराब तीन लोगों की, और फाइनली जो है चारों किल मेरे को मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो है टीम के खाते में भी किल जाते हैं और मेरे पर्सनल खाते में भी। फिर उसके बाद यहाँ से निकलना था जोन के लिए। जोन जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि यार मैं अपनी टीम से जो है अकेला बचा हुआ था, और ऐसे मैचेस में अकेला सर्वाइव करना मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हाँ, अगर जो है किसी की नज़र आप पे ना पड़ रही हो तो थोड़ी सी जो है आपको कह सकते हो आप बच सकते हो बाकी लोगों की नज़र से, क्योंकि आप अपनी पूरी टीम के साथ मूव नहीं कर रहे हो, सिंगली मूव कर रहे हो, तो ऐसे में छुपने में जो है ज़्यादा आसानी होती है, आप जब तक मर्जी जो है होल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है बीच में मेरे को रुकना पड़ा, क्योंकि इसके आगे जो है नहीं जा सकता था इस बग्गी को लेके, इसके आगे जाता तो यार ये बग्गी भी ब्लास्ट हो जाती और मैं भी। सो यहाँ पे रुकना पड़ता है मेरे को, और कहीं ना कहीं जो है बाकी लोगों का ध्यान मेरे पे नहीं था, क्योंकि क्वांटिटी में इतना एक ही बंदा हूँ और कहीं ना कहीं सब लोग जो है जोन कटने के कारण बिजी हैं। और फाइनली मैंने दो किल यहाँ पे और उठाए, लेकिन ये मेरे आखिरी दो किल थे, क्योंकि इसके बाद जो है आजू बाजू जो भी लोग थे उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लिया था मेरे को, और उसके बाद अगर ये मैं लेट जाते यहाँ पे तो 1% चांस था मेरे सर्वाइव होने का, यहाँ पे सर्वाइव करने का, क्योंकि वो बंदे जो है जोन के बाहर से उनको अंदर आना था और मैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी जोन के अंदर था। सो ये 9 किल का एक गेम प्ले था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा समझा। ऐसे और भी गेम प्लेस देखने तो बताना मेरे को, कस्टम रूम वाले गेम प्ले खेलते रहते हैं बीच बीच में, तो कहीं ना कहीं डालते भी रहते हैं। सो आपको अच्छा लगा होगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।